तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और लास्ट वीडियो में हम लोग ने जैसलमेर घूमा था। जैसलमेर में फेमस हॉन्टेड प्लेस थी हमारी कुलतरा, साथ ही साथ जैसलमेर फोर्ट, क्या क्या खाना है वहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग घूमेंगे आज जोधपुर, और जोधपुर में आपको कहाँ रहना चाहिए, क्या क्या घूमने वाला है, क्या क्या खाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आज आपको घुमाते हैं जोधपुर। सबसे पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, आपको जोधपुर में अगर जाकर कहीं स्टे करना है तो जोधपुर में जो घंटा घर है, जो क्लॉक टावर है, आप वहाँ जाइए, वहीं पे होटल ढूंढिए, उसके आसपास होटल ढूंढिए, क्योंकि क्लॉक टावर के आसपास ही मेहरांगन फोर्ट है, फेमस खाने वाली प्लेसेस हैं, क्लॉक टावर खुद है और तीन चार चीज़ें और हैं। तो मेरा मानना है कि जोधपुर अगर आपको घूमना है तो आप क्लॉक टावर के आसपास ही कोई होटल देखिए। गुड मॉर्निंग, तो इस समय मैं हूँ जोधपुर में और सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोगों ने होटल बुक कराया है ब्लू स्टे ब्लू बर्ड। तो चलिए फिर एक बार होटल में चेक इन कर लेते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और फिर आप लोगों को घुमाते हैं जोधपुर। ब्लू सिटी है तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको ब्लू ब्लू दिखाई देगा, स्ट्रीट में भी सारे घर अधिकतर ब्लू है, घूमने लायक जगह है। A few moments later. तो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे शाही समोसा है, आपको पीछे दुकान दिख रही होगी, अभी वहाँ ले चलते हैं। यहाँ के समोसे बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हम लोग ने अभी मिर्ची का पकौड़ा जो फेमस है वो लिया है, और यहाँ समोसा फेमस है वो लिया है, खाके देखते हैं बताते हैं कैसा है। फीलिंग अच्छी है, ये हरी मिर्च का पकौड़ा है, टेस्टी है काफ़ी। ये इनका शाही समोसा है, काफ़ी बड़ा है, और दोनों ही मतलब मिर्ची का पकौड़ी और शाही समोसा दोनों ही 22 रुपये का एक। समोसे के अंदर काजू भी है, फीलिंग अच्छी है, मटर है, काजू है, आलू है, तो 22 रुपये का समोसा वर्थ इट है। सुबह के नाश्ते के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरदार मार्केट है, और इसी के अंदर घंटाघर है, और अगर दूसरी तरफ है पीछे देखेंगे तो यही शाही समोसा है, जहाँ पे समोसा आपको मिल जाता है, बहुत ही टेस्टी समोसा था, मतलब ट्राई करना चाहिए। और जस्ट इसके बगल में गली जा रही है अंदर। अब यहाँ पे सुनने में आया प्याज की कचौड़ी बहुत फेमस है। तो ये यहाँ की क्या प्याज की कचौड़ी, और इसके साथ कोई चटनी नहीं मिलती है, ये सूखी कचौड़ी है। देखते हैं इसके अंदर देखते क्या है, फीलिंग देखते क्या है। तो ये फीलिंग है प्याज की कचौड़ी की, खा के देखते कैसी है। अगर इससे ज़्यादा मीठी चटनी मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। खैर, कचौड़ी का टेस्ट अच्छा है, आपको ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे रस माधुरी एक मिठाई है, वो भी बहुत फेमस है, तो उसको भी खाएंगे, देखेंगे बनाएंगे कैसी है। तो यहाँ की जो प्याज की कचौड़ी है वो एक पीस 24 रुपये की है, और इनफ है आपका पेट भरने के लिए। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग जोधपुर के क्लॉक टावर गए। तो हम लोग इस समय आ चुके हैं घंटाघर के पास, और घंटाघर के अंदर यहाँ पे एंट्री है, आप ऊपर जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं व्यू। तो हम लोग भी ऊपर जाएंगे और इन्जॉय करेंगे। क्लॉक टावर को सरदार सिंह ने बनवाया था, महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था, और आसपास की जो मार्केट है, जो मार्केट है क्लॉक टावर के आसपास की, इसको सरदार मार्केट इसीलिए बोलते हैं। और अमेजिंग बात यह है कि आपको यहाँ पे अंदर जाने का भी मौका मिलता है, 25 रुपये टिकट पड़ता है, और क्लॉक टावर के आप अंदर जा सकते हैं, ऊपर जाके बैठ सकते हैं। क्लॉक टावर के अंदर जाने के बाद आप क्लॉक टावर को देख सकते हैं, मैकेनिज्म देख सकते हैं क्लॉक टावर के अंदर कैसा होता है, कैसे घड़ी चलती है। आइए इधर आइए, इनसे मिलिए, ये हमारे साथ हैं, ये यहीं रहते हैं, और इनकी ये तीसरी पीढ़ी है इसी क्लॉक टावर में। क्या नाम है आपको? मोहम्मद इकबाल है, बाप का नाम मिस्त्री अलन, और बच्चे का नाम मोहम्मद शकील है। और उसकी कंपनी मुंबई की, वही फेल हो गई, मेरे पिताजी तय कर लिखा हुआ पीछे, ये ले इसका विलन। हम लोगों को ये ऊपर तक लेके आए, पूरा कैसे चलती है ये घड़ी, सारी मैकेनिज्म यहीं पे, यहाँ से लेके यहाँ तक लो, ऐसा करो, देखिए ऐसा अच्छा है। और ये आप देख सकते हैं पेंडल स्विंग कर रहा है, और
आप देख रहे हैं जो यही ये नीचे वेट गया हुआ है वो देखिए ये भोजपुरी मेरा। और ये जो आप स्टोरी देख रहे हैं मोहम्मद इकबाल जी ये इन्हीं की स्टोरी है 1968 से ये यहाँ पे क्लॉक टावर को देख रहे हैं सेकेंड जनरेशन है इनकी और इनके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है। ये देखो ये चाबी और ये देखिए ये चाबी है इस क्लॉक टावर की मजा आया बहुत मजा आया। शुक्रिया इकबाल जी सबको भेजेंगे हम आपसे मुलाकात करने के लिए। साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक अमेजिंग व्यू दिखेगा मेहरानगंज पोर्ट का तो उसको जरूर एंजॉय करिएगा। शाम को जाइएगा क्लॉक टावर या मॉर्निंग में जाइए तो आपको अलग ही मजा आएगी। घंटाघर घूमने के बाद हम लोग तूर जी का झालरा घूमने के लिए चले गए। तूर जी का झालरा जो है ये वॉकिंग डिस्टेंस पे 500 मीटर भी नहीं होगा शायद और आप वहाँ जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं। खूब सारे जीने बने हुए हैं बीच में पानी है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले तो जैसे हमारे घंटाघर के अगल बगल बना हुआ है सेम कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी है। और इसके इतिहास की अगर हम बात करें तो इसे महाराजा अमर सिंह की वाइफ जो थी तनवर तूर उन्होंने बनवाया था 1740 में। उनके नाम पे ही ये पड़ा तूर जी का झालरा। रात में यहाँ का माहौल एकदम अलग होता है। लाइट जलती होती है पानी होता है अगल बगल खूब सारे लोकल के लोग होते हैं तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है। आप रात में वहाँ जाके बैठ सकते हैं और जनरली आपको वहाँ पे गोताखोर लोकल दिखाई देंगे जो जंप कर रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को तो आप वहाँ पे जाइए बैठिए वहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छी जगह है वो भी। तूर जी का झालरा घूमने के बाद हम लोग सीधे गए मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट 1200 एकर्स में बना है। बहुत ही बड़ा था और ऊंचा भी बहुत था। 122 मीटर ऊपर वो बना है मतलब आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। चलते चलते लग रहा है वैष्णो देवी की चढ़ाई आ गई है और चढ़ते ही जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है किला इतनी ऊपर बनाने की ज़रूरत क्या थी इनको। जाना तो है लेकिन फोर्ट देखिए आप लो कैसे बनाते होंगे इतनी ऊपर आके फिर इतनी बड़ी बड़ी दीवारें। सुरक्षा का प्रबंध पूरा रहता था इनका। यहाँ पे भी आपको ऊँट दिख जाएगा। आपको राइड करनी है तो ऊँट की राइड यहाँ पे कर सकते हैं। सब नाम की है फोटो के लिए। टैक्सी आ रही है वो देखिए उधर से वो टैक्सी का रूट अलग था। टैक्सी उधर से आ रही है आपको फोर्ट तक पूरा छोड़ देगी। और साथ ही साथ ये रहा मेन एंट्रेंस। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं फोर्ट के अंदर और अंदर घुसने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट का जो कॉस्ट है वो 200 रुपये पर हेड है और ये काफ़ी ऊंचा है फोर्ट। आपको दिखाता हूँ काफ़ी फ्लोर्स हैं यहाँ पे तो आप या तो पैदल जा सकते हो ऊपर अकेले एक एक फ्लोर घूम सकते हैं या तो आप लिफ्ट लीजिए। 50 रुपये का ऊपर जाने का है। आप छत तक जाइए टॉप से आप नीचे आइए पैदल पूरा घूमते हुए। एक चीज़ और जो भी स्टूडेंट है जो भी पढ़ रहा है तो वो अपना अगर ओरिजिनल आईडी लेके आएगा
आईडी कार्ड लेके आएगा तो यहाँ पे उसको एंट्री फी पे 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 100 रुपये का टिकट पड़ेगा। तो लेकिन ओरिजिनल चाहिए ना, फ़ोन पे चाहिए उन्हें ना, फोटो कॉपी चाहिए। ओरिजिनल आईडी लाएंगे तो 50% ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। और लिफ्ट के लिए लाइन में लगे हुए, एक बार में 8-9 लोग ऊपर जा रहे हैं और लाइन मेरे पीछे है अभी। टॉप पे आ चुके हैं, गोल का टॉप। तो फोर्ट के टॉप पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत सारे आपको वेपन्स दिख रहे होंगे जो पुराने ज़माने के थे। तोपे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की है। ये देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को एक बार में उड़ाती होगी। ये देखिए एक और, फोर्ट हम लोग ने देख लिया है, घंटाघर देख लिया है, स्टेपवेल देख लिया है और यहाँ का एक ताजमहल भी है जो कि वाइट कलर का नहीं है और वो गोल्डन कलर का ताजमहल है यहाँ का। वो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ एक बार, अगर टाइम मिलता है तो शाम में हम लोग वहाँ भी जाते हैं। वो जो आप एकदम दूर देख रहे हैं वो है ताजमहल वहाँ का और गोल्डन कलर का है और एकदम आसपास उसको कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। तो आपको सच में राजस्थान की रॉयल्टी देखनी है तो उसके फोर्ट्स हैं, आपको ये फोर्ट एंजॉय करिए और देखिए, बताइए कैसा लगा। जोधपुर का सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है। फिलहाल जोधपुर में घूमने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप घूम सकते हैं। मिलते हैं आपको किसी नए शहर की पुरानी गलियों में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और आसपास के जानवरों का भी ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेक केयर।